नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है MD2 Reader Publication। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे जो कर्मचारी चयन आयोग ने अब से कुछ देर पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके दो इंपॉर्टेंट और पेंडिंग फाइनल रिजल्ट जो जारी कर दिए एडवर्टाइजमेंट 12/2019 के हवाले से। तो फ्रेंड्स, फाइनल जो पेंडिंग फाइनल रिजल्ट आपके इतने हैं कि हर रोज़ दो दो तीन तीन जारी करेंगे, तब जाकर एक महीने में काम होगा। और चेयरमैन साहब ने बोला कि अगले महीने की 30 तारीख तक हम आपके सभी पेंडिंग रिजल्ट जारी कर देंगे। हालांकि इस दिशा में काम भी हो रहा है, डेली आपको एक या दो रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। मैं आशा करूंगा कि प्रोसेस लगातार जारी चले और लगातार आपके रिजल्ट आते रहे। आज जो रिजल्ट आया है, पहला जो रिजल्ट है एडवर्टाइजमेंट 12/2019 कैटेगरी नंबर 34, पोस्ट का नाम है प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर इंस्ट्रक्टर, एडवर्टाइजमेंट 34/34 है। टोटल 6 वैकेंसी, जिसमें जनरल के लिए 3 पोस्ट थी। जनरल के लिए कट ऑफ 58 पे, वेटिंग 47 पे। BCA की एक पोस्ट थी, 55 पे कट ऑफ है। और BCA की वेटिंग की अगर मैं बात करूँ वो आपकी 35 पे है। EWS एक पोस्ट थी, कट ऑफ 56 पे, और वेटिंग EWS की 38 पे है। तो एक पोस्ट जो SC की थी वो वैकेंट रहेगी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल कैंडिडेट। और ये मैं आपको बता दूँ, ये जो पोस्ट है ना आपकी, ये प्रैक्टिकल के लिए हैं। किसके लिए हैं? प्रैक्टिकल के लिए रिजल्ट आने शुरू हो गए। थ्योरी के, माफ़ कीजिए, ये तो थ्योरी वाला है, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर इंस्ट्रक्टर वाला थ्योरी का। दूसरा जो रिजल्ट है वो प्रैक्टिकल के लिए, और 90 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम था, 10 मार्क्स सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के थे। दूसरा जो आपका रिजल्ट आया वो भी देख लेते हैं। वो आपका एडवर्टाइजमेंट तो वही 12/2019 है, कैटेगरी नंबर 53 का आया है, मशीनिस्ट ग्राइंडर इंस्ट्रक्टर। प्रैक्टिकल के लिए ये रिजल्ट आया आपका, दो पोस्ट थी, जनरल के लिए एक पोस्ट थी, और इसमें 37.50 में से कट ऑफ रही है। वेटिंग 28 पे रही है। एक पोस्ट BCA की वैकेंट रहेगी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल कैंडिडेट। तो फ्रेंड्स, एक अपडेट थी जो आपको देनी थी। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।